संबल पहुंची भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी ने दिया बयान। इस बार भी करेंगे यूपी फतेह। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि इस बार का यूपी चुनाव भाजपा बनाम सपा होगा। वहीं उन्होंने दावा किया कि यूपी में बीजेपी 300 पार सीटें ला रही है। संबल में अनुसूचित मोर्चा के कार्यक्रम में पहुंची उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 के पार सीटें ला रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में विकास की धारा बह रही है। वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी और मायावती को लेकर कहा कि वह दोनों को अपनी शुभकामनाएं देती हैं, मगर यूपी में बीजेपी ही आ रही है। बेबी रानी मौर्य मीडिया से बात चीत में कहा कि इस बार का चुनाव भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी होगा। वहीं उन्होंने ओवैसी पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने और कुछ क्या कहा देखिए इस रिपोर्ट में। अब उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है, ऐसे में उत्तर प्रदेश आई है, क्या मकसद है आपका? अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने आई है। ये बताएं उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले 2022 से पहले तमाम दल इकट्ठे हो रहे हैं। अभी अपना दल की कृष्णा पटेल, उससे पहले AIMM उनका नाम आता है, इसके बाद में RLD की बात हो रही है, तमाम लोग राज्यभर इकट्ठे हो रहे हैं, तो चुनाव कैसा होगा? भाजपा बनाम अदर है क्या? आप एक बार इधर भी अपना वो कैमरा घुमा दीजिए। जो एक उत्साह है समाज में, जो एक उत्साह है हमारे भाई और बहनों में, खासकर मैं तो अब दलितों की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं मोर्चे के कार्यक्रम में आई हूँ, तो 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारे बनाएंगे। हम लोग चाहे कोई भी दल कहीं भी जाए, हमें उससे कोई मोर नहीं है, लेकिन हमारा समाज हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी सरकार। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी? 300 के ऊपर ही जीतेगी। इस बार मानती हैं कि आप बीजेपी बनाम सपा का चुनाव होगा यूपी में? बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से लगातार लेकिन जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में दो बहनें और निकली हुई हैं, प्रियंका जी निकली हुई हैं, मायावती जी निकली हुई है, आप भी बहन जी यहाँ पर आई हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप इन लोगों पे किस तरह से फतेह पाएंगी? देखिए, मैं अपनी पार्टी की बात करती हूँ। मेरी पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, जो महिलाओं का सम्मान कर रही है, जो दलित और गरीबों की हितैषी है, उन्हें शौचालय दिए, उन्हें उज्ज्वला गैस योजना दी, उन्होंने उनकी बेटियों की निःशुल्क पढ़ाई, सामूहिक विवाह भी 28 को आगरा में मैं भी कर रही हूँ, उनको 50,000 रुपए दे रही है, तो मैं तो अपनी पार्टी की बात करूँगी, अपनी सरकार की बात करूँगी। मुझे नहीं मालूम कौन कौन बहनें मेरी घूम रही हैं, उनको सबको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून बिल वापसी की बात की, उसके बाद असुद्दीन ओवैसी का बयान आया कि अगर कृषि कानून बिल किस तरह वापसी हुआ है, उसके बाद NRC और CA का बिल वापसी होना चाहिए, साइन बाग बना दिया, यूपी को साइन बाग बना दिया। वो तो क्या क्या बोलते हैं ईश्वरी मालिक है, मैं उनकी कोई बात का जवाब नहीं। यूपी को साइन बाग बनाने की बात कर रहे हैं, करने दो, वो जो मैं कह तो रही हूँ वो जो बोलते हैं करने बोलने दो, उनके बोलने से कुछ नहीं, हमारी ही सरकार बनेगी। नहीं, क्या जो वो बयानबाजी कर रहे हैं मैंने कह तो दी, ओवैसी के ऊपर मुझे कुछ नहीं बोलना।